ओके सो जो गैस्ट्राइटिस होता है बेटे, नाम से ही जाहिर है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की जो इन्फ्लेमेशन है. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस. ठीक है, अब इस गैस्ट्राइटिस की डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि टाइप ए गैस्ट्राइटिस है, टाइप बी है, रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस है, इरोजिव गैस्ट्राइटिस है, स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस है, मेंटीरियर डिजीज रिलेटेड गैस्ट्राइटिस है, लिम्फैटिक है, ग्रैनुलोमेटिस है. सबको जल्दी से देख लेते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप ए गैस्ट्राइटिस. अब आपने क्या करना है कि ए से ही याद रखना है, ये ऑटो इम्यूनिटी रिलेटेड गैस्ट्राइटिस है. ऑटो इम्यूनिटी का ये मतलब है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट द पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक. सो जब ये जो पैराइटल सेल्स हैं, आपको पता है इन पैराइटल सेल्स का दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर बनाती हैं जो कि B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा ये जाहिर है आपके पास जो है वो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करती हैं, और यूँ हम कहते हैं कि ये एसिड की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, HCl बना रही होती हैं. ओके सो इफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स बनेगी तो इस पेशेंट को क्या हो जाएगा, एक तो मगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा इस पेशेंट को, और दूसरा आपने याद रखना है इसको एक्लोरहाइड्रिया होगा. क्या होगा? एक्लोरहाइड्रिया होगा. सो ये जो गैस्ट्राइटिस होता है ये ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है. ठीक है, और साथ ही साथ जब ये पैराइटल सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे तो गैस्ट्रिक एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी. सो ये जो तीन चीज़ें होती हैं ये इंडिकेटिव होती हैं टाइप ए गैस्ट्राइटिस की. गैस्ट्रिक एट्रोफी है, एक्लोरहाइड्रिया है, मगेलोब्लास्टिक एनीमिया, तो आपको समझ आ गया कि कहीं ना कहीं पैराइटल सेल्स जो हैं वही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं. नंबर टू बेटे हमारे पास होता है टाइप बी गैस्ट्राइटिस. तो बी से आपने याद रखना है ये वो गैस्ट्राइटिस है जो बैक्टीरिया से होता है, और कौन सा बैक्टीरिया गैस्ट्राइटिस करता है? गुड एच पायलोरी. सो एच पायलोरी की वजह से जो गैस्ट्राइटिस है इसको हम टाइप बी गैस्ट्राइटिस कहते हैं, और इसका जब हमने ट्रीटमेंट करना होगा, इसमें तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट सर्जिकली वो नहीं है, हम इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, ऑटो इम्यून का इतना ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और अगर नहीं है तो बस फिर हम स्टमक को ही वहाँ से गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं. सो यहाँ पे हमने बेसिकली एच पायलोरी की जो इरेडिकेशन थेरेपी होनी है वो देनी है, ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब ये जो इरेडिकेशन थेरेपी है ये ट्रिपल थेरेपी थी और क्वाड्रिपल थेरेपी थी. अगर आपने फार्मा अच्छी पढ़ी है तो आपको याद होगा ट्रिपल थेरेपी को मैं कहती थी अपने बच्चों को कैप से याद रखें, CAP क्लेरिथ्रोमाइसिन अमोक्सिसिलिन और PPI, और क्वाड्रिपल में हमारे पास बिस्मथ आता था, मेट्रोनिडाजोल आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है, और साथ ही उसके अंदर जो है वो PPI आता था. ठीक है, सो ये टाइप बी गैस्ट्राइटिस हो गया. नंबर थ्री बेटे जो टाइप होती है, अब नंबर थ्री जो हमारे पास टाइप होती है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस. ये रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस बेसिकली कुछ सर्जरीज के बाद होता है. समटाइम हम क्या करते हैं कि स्टमक की जब सर्जरी करते हैं तो इसको डायरेक्टली जो है वो ड्यूडनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉन्टेंट जो है वो ऊपर जाता है और वो इस म्यूकोजा को इरिटेट करता है और गैस्ट्राइटिस करता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस कहते हैं. सो रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस तब होता है जब आप यूजली गैस्ट्रो जेजनोस्टमी करते हैं, यानी स्टमक को जेजनम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ऊपर सारा कॉन्टेंट जाना शुरू होता है. सो ये मोस्टली कब होगा? गैस्ट्रो जेजनोस्टमी के बाद, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का कंटेंट ऊपर स्टमक में जाएगा और वहां पे गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा. सो गैस्ट्राइटिस की तीन टाइप्स पढ़ ली, टाइप ए गैस्ट्राइटिस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, टाइप बी बैक्टीरिया की वजह से, और रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस आफ्टर सर्जरी स्मॉल इंटेस्टाइन का कंटेंट जब ऊपर जाता है तो होता है. जो फोर गैस्ट्राइटिस है बेटे उसको हम लोग कहते हैं इरोसिव गैस्ट्राइटिस. क्या कहते हैं? इरोसिव गैस्ट्राइटिस कहते हैं. ये जो इरोसिव गैस्ट्राइटिस है ये बेसिकली तब होना शुरू होता है, यानी स्टमक में इरोजन तब होती है, यहाँ पे ना आगे इसके पास जो है वो एक बैरियर होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का एक बैरियर होता है जो कि म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. लेकिन जब कभी ये बैरियर जो है ये डिसरप्ट हो जाएगा और इस बैरियर की डिसरप्शन की वजह से जो एसिड है वो म्यूकोसा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, तो एसिड जाके म्यूकोसा को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा और म्यूकोसा को इरिटेट करेगा, और तब जो गैस्ट्राइटिस स्टार्ट होगा जाहिर है इरोजन हो रही होगी, तो इरोजिव गैस्ट्राइटिस है. ये होता क्यों है, इसका कॉज क्या है? इसका मोस्टली कॉज जो है वो एनसिड का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि जब भी कोई एनसिड लेता है तो आपको फार्मा से याद होगा बेटे, एनसेड्स लेने से जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो इनहिबिट हो जाते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली म्यूकस बना रहे होते हैं, बायकार्बोनेट बना रहे होते हैं और म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है ये प्रोटेक्टिव रोल नहीं है, तो ये जो बैरियर है ये डैमेज होगा और गैस्ट्राइटिस जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद जो फिफ्थ टाइप है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस. ये स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस कब क्रिएट होता है? जब बॉडी किसी स्ट्रेस से गुजर रही हो, ठीक है,
और इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि मेजर ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई रिड्यूस कर ली जाती है. सो रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड म्यूकोजा जब होगी तो जाहिर है उसके बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूकोजा की जो है वो सप्लाई इफेक्ट होगी, तो हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, इंजरी और गैस्ट्राइट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये मोस्टली कब होता है, जब जाहिर है स्ट्रेसफुल कंडीशन हैं बॉडी के अंदर, स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे हेमरेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, कोई सर्जरी हुई है, और या पेशेंट की बॉडी में हाइपोवोलीमिया वही हेमरेज के बाद क्रिएट हुआ है. तो फिर हम क्या करते हैं कि वो लोग कि जिनकी कोई सर्जरी होने वाली है या जो आईसीयू में आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एडमिटेड हैं, तो उनमें प्रोफिलैक्सिकली हम क्या देना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर हम पीपीआईज और H2 ब्लॉकर देना शुरू कर देंगे ताकि एसिड की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए. जब एसिड की प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो उनके अंदर जो गैस्ट्राइटिस है वो भी मोस्ट लाइकली नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज होता है उसको हम कहते हैं मेंटीरियस डिजीज. तो हम देखते हैं कि जो मेंटीरियर डिजीज है इसमें क्या पैथोलॉजी और ये कैसे गैस्ट्राइटिस कॉज करती है. सो मेंटीरियस डिजीज वो कहते हैं कि वैसे इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होता है कि ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है. सो जब ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा होते हैं तो वो इस म्यूकोजल फोल्ड की बहुत ओवर ग्रोथ कॉज करते हैं. ठीक है, सो ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, यानी बेसिकली बेसिकली जो म्यूकोजल फोल्ड्स हैं उनकी क्या होती है, हाइपरट्रॉफी होती है. जब इनकी हाइपरट्रॉफी होती है तो आपको पता है हाइपरट्रॉफी के बाद डिस्प्लेजिया हो सकता है, और डिस्प्लेजिया के बाद क्या हो सकता है, कैंसर. सो इसके अंदर मेलिग्नेंसी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. सो मेंटीरियर डिजीज़ बस आपने याद रखना है एक ऐसा डिजीज़ है जो कि एक मेलिग्नेंट या प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है स्टमक की, प्री मेलिग्नेंट, जिसमें हाइपरट्रॉफी बेसिकली हो रही होगी. दो तरह के, अच्छा नेक्स्ट टाइप हमारे पास होती है लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस. अब आप लोगों को इसके नाम से ही समझ आ रहा है लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस का क्या मतलब होता है, जब बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट्स हुए हुए हैं आके आपके म्यूकोजा में. ठीक है, और ये जो लिम्फोसाइट हैं यूजुअली ईयूजिनोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन भी हुई होती है, इसको ईयूजिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, और जाहिर है ये किसके साथ, एलर्जी कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होगा. लास्टली हमारे पास होता है ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस. और ग्रैनुलोमा किसका करैक्टरिस्टिक है, जाहिर है ग्रैनुलोमा करैक्टरिस्टिक है मेजर टीबी का. सो टीबी है या कोई और इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जैसे कि क्रॉन्स डिजीज है, तो उसके अंदर आपको क्या मिल सकता है, ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस मिल सकता है. ठीक है, तो ये गैस्ट्राइटिस का मतलब है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन, और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप ए इम्यूनिटी के साथ, टाइप बी बैक्टीरिया के साथ, रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस जो सर्जरी के बाद होता है, उसके बाद इरोसिव गैस्ट्राइटिस जो बेसिकली किस वजह से हो रहा होता है, जब आपका बैरियर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस होता है ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने से. मेंटीरियर में ग्रोथ फैक्टर ज्यादा होता है, हाइपरट्रॉफी होती है. लिम्फोसिटिक में लिम्फोसाइट या इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे वहां पे, और ग्रैनुलोमाइटिस में ग्रैनुलोमा बना हुआ होगा. अब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है जिसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़.